हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा MI 3C राउटर का। तो फ्रेंड्स, बिना आपका समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा MI 3C राउटर है, इसे तो मैंने खरीदा है अमेजोन से, जो कि मुझे ये यहाँ पे पड़ गया है 999 रुपये का। लेकिन इसका जो रियल प्राइस होता है वो वहाँ पे लिखा हुआ था 1199, लेकिन वहाँ पे कुछ परसेंट का छूट था तो इसलिए 999 का पड़ा। और वहाँ पे मुझे कैशबैक जो है वो भी लगभग 50 रुपये तक का मिल गया था। तो अगर आपको इस MI 3C राउटर को परचेज करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस राउटर को खरीद सकते हैं। तो वैसे पैकिंग की बात करूँ तो इसे मैंने पहले ही ओपन कर दिया था, तो पैकेट के रखते साइड में। तो ये हमारा है MI 3C राउटर का बॉक्स। यहाँ पे आपको MI राउटर 3C की ब्रांडिंग और MI की ब्रांडिंग जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है MI राउटर 3C, और यहाँ पे भी MI की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो इसको बैक साइड से देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड द MI वाईफाई ऐप। तो ये जो बार कोड है ये स्कैन करेंगे तो आप यहाँ से MI का जो ऐप होता है वो इंस्टॉल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से ना करें, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको चाइनीज़ वर्जन मिलेगा। तो आप डायरेक्ट जाए प्ले स्टोर से और वहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे स्मार्ट राउटर, उसके बाद 3 स्टेप लिखा हुआ है स्पीड बूस्ट, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, वाईफाई सिक्योरिटी नोटिफिकेशन पार्टनर कंट्रोल वगैरह वगैरह, और यहाँ पे वाईफाई पासवर्ड वगैरह जो आपको चेंज कर सकते हैं ये सब मिल जाता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है MI राउटर 3C, उसके बाद इसका मॉडल नंबर जो है R3L और नेट क्वालिटी, और यहाँ पे जो प्राइस है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1199 रुपये, और वगैरह वगैरह यहाँ पे इसकी जो डिटेल है वो लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये कुछ इस साइड का मिल जाएगा, पुल लिखा हुआ है, तो आप इसको नीचे कर ले और उसके बाद आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ से खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ये यूज़र मैनुअल टाइप का मिल जाता है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ के सेटअप कर सकते हैं। तो इसे हम रख देते हैं साइड में, और ये हमारा राउटर है तो रख देते हैं इसे भी। अभी हम साइड में देखते हैं और बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें वही मिलता है QR कोड, जिससे कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसके ऐप को, और इसके नीचे हमें इसका मिल जाता है चार्जर। तो फ्रेंड्स, हम बॉक्स को साइड में रख देते हैं। और इसके अगर चार्जर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ये हमारा चार्जर है ये मिल जाता है हमारे 0.2 एम्पियर पे, और आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट 1 एम्पियर है। तो चार्जर तो कुछ खास नहीं है, साइड में रख देते हैं। और जो हमारा ये राउटर है दिखाते हैं, ये यहाँ पे 4 एंटीनाज है इसमें, तो इसे आप चाहे तो ये ऊपर भी कर सकते हैं और इसके हिसाब से लेफ्ट राइट भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ये जो नोटिफिकेशन लाइट है वो ये आपको मिल जाता है, तो अभी तो मैंने इसे ऑन नहीं कर रखा इसलिए नहीं दिख रहा, नहीं तो ये ग्लो करेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है पीछे के साइड में एक स्टिकर, जिसपे आपको लिखा हुआ है MI राउटर 3C, और मॉडल वगैरह जो है इसके आउटपुट वगैरह, और यहाँ पे निक नेम जो इसमें डिफॉल्ट नेम मिलेगा वो सब मिल जाता है। और बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आप अपने पावर केबल को जो एडाप्टर है उसे लगा सकते हैं, और बाहर से जो आपके केबल आती है इंटरनेट वाला वो इसमें लग जाएगा, और ये आउटपुट के लिए है। और अगर आपका सेटिंग कुछ ख़राब हो जाता है तो आप चाहे तो यहाँ पे ये रिसेट का है, तो रिसेट के लिए ऑब्वियसली आप कुछ भी इसमें जो पतला सा हो मतलब उसको आप इसमें डायरेक्ट इंसर्ट करके ये रिसेट बटन पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये राउटर पसंद आया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने बताया मिला हुआ है, तो आप वहाँ से इस राउटर को खरीद सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो और फोन्स और अनबॉक्सिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ओके दोस्तों, बाय।